बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को दुपट्टों के लिए लेसिस के डिज़ाइनिंग के आइडियाज़, दुपट्टों की डिज़ाइनिंग के किस किस तरीक़ों से आप दुपट्टों पर डिज़ाइन करवा कर अपने प्लेन ड्रेसिस के साथ पहन सकती हैं। और प्लेन ड्रेसिस आपका चाहे कोई भी हो, चाहे आप उसको कलर कॉम्बिनेशन में लेना चाह रही हो यानी कि दुपट्टा, या आप उसको सेम टू सेम बनवाना चाह रही हो, तो देखिए इस वीडियो में आप लोग दुपट्टों पे किस किस तरह की लेसिस लगाकर उनको फैंसी स्टाइल का बनवा सकती हैं। इसके अलावा कुछ इसमें मैंने लेसिस के डिज़ाइन भी दिखाए, और ये तमाम लेसिस जो हैं मार्केट में आई हुई हैं, आप उसको लेकर इजीली अपने दुपट्टों पर रिबन्स के साथ अपनी स्लीव पर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अगर आप ब्लाउज़ पहनती हैं, लहंगे का ब्लाउज़, या आप साड़ी का ब्लाउज़ पहनती हैं और बैक पर भी आप डिज़ाइनिंग करवा सकती हैं, जो कि आजकल टसल्स वाली लेसिस आई हुई हैं, या आप देखें सीक्वेंस वाली लेसिस हैं, फ्रिल के साथ सितारों वाली लेसिस हैं, गोटा किनारी लेसिस, मोतियों वाली लेस, और जो गोटे के साथ अलग अलग तरह की आई हुई हैं, या सिक्के वाली आप कह लें, मिरर वर्क लेसिस, इस तरह की तमाम लेसिस मार्केट में आई हुई हैं। ये देखें, ये सीक्वेंस वाली लेस है, और इसी तरह की जो गोटा किनारी वाली लेस आपने देखा होगा, जो बहुत पहले भी फैशन में इन थी, वो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। इस टाइम आप लोग ये तमाम लेसिस अगर मार्केट से लेना चाह रही हैं, तो आप लोग स्क्रीन शॉट लेके रख लें, और जब आपको मार्केट जाना हो, आप वहाँ से उनको हमारी पिक्चर्स दिखाकर लेसिस, या आप कह लें इसको कोई भी आपने फॉल वगैरह लेके लगाना हो, कोई रिबन लगाना हो, कोई फैंसी लुक का आप कोई इनर वगैरह यूज़ करवाना चाह रही हो, ये हर तरह की चीज़ें आप लोगों को इजीली हर जगह अवेलेबल हैं, आराम से आप लोगों को मिल जाएंगी। बस आपने ये करना है, अगर आपका सिंपल कोई भी आपका ड्रेस है और आप चाह रही हैं कि इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ हम उसको खूबसूरत सा उसके साथ कोई दुपट्टा तैयार कर लें, तो इसमें काफ़ी सारे दुपट्टों की किनारी के साथ डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ हैं। चाहे येलो कलर का बना लें, चाहे वाइट बना लें, पिंक बना लें, और उसके साथ आप चाहे गोल्डन लगा लें या कलर कॉम्बिनेशन के साथ कर लें, चाहे पल्लू बनाना चाहें या चारों तरफ का कोई भी डिज़ाइन आप बनाना चाह रही हैं, इसमें से देखकर लेसिस वगैरह बाय करके और रिबन्स के साथ उसको आप ज्वाइन करवा लें, या आप उसको मोती वाली लेस के साथ करवा लें, तो आपके जो दुपट्टे हैं बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो साथ में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और आप लोग देखते रहें। इसके अलावा आपने हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो भी देखना हो, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊँ। अच्छा, आपने गौर किया होगा कि आजकल जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है कि निकाह के वक्त ब्राइड के लिए एक अलग से दुपट्टा बनाया जा रहा है, जो कि या तो बारीक टिश्यू का होता है, या तो बारीक ऑर्गेंजा का, या फिर नेट का, और उसके ऊपर भी चारों तरफ कोई चौड़ी सी लेस लगा लेते हैं, और अक्सर लोग सिर्फ एक तरफ लगा रहे हैं, जो कि उनके घूंघट आगे जो फ्रंट पर होता है। अब उस तरह से भी अपना दुपट्टा बना सकते हैं, और मिरर वर्क से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या इस तरह से फैंसी फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी बहुत अच्छी। अल्लाह हाफिज़। थैंक फॉर वॉचिंग।